में गुस्सा, मूंछों पर ताव और कांधे पर नीला गमछा, बाबा साहेब और संविधान का जिक्र बार बार करना, यही पहचान अलग से बना रखी है उत्तर प्रदेश की सियासत में भीम आर्मी के संस्थापक और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने। जी हाँ, चंद्रशेखर आजाद जो यूपी की सियासत में सहारनपुर में एक अलग ही रुतबा रखते हैं। चंद्रशेखर आजाद आज एक हॉस्पिटल में एडमिट हैं और उनके अच्छे स्वास्थ्य की लगातार कामना कर रहे हैं उनके चाहने वाले। दरअसल आपको बता दें कि चंद्रशेखर आजाद पर बीते बुधवार की शाम हमला कर दिया गया कुछ अज्ञात हमलावरों की तरफ से। अब देखा जाए तो यूपी पुलिस लगातार जांच पड़ताल में जुटी हुई है, लेकिन चंद्रशेखर आजाद यहां पर शांति की अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में देखा जाए तो चंद्रशेखर आजाद को लेकर तमाम खुलासे भी हो रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रही हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। एक बार फिर से हाजिर हैं हमारे स्पेशल प्रोग्राम बड़ी हस्ती लेकर, जिसमें हम आज बात करेंगे ना सिर्फ चंद्रशेखर आजाद के बारे में बल्कि चंद्रशेखर आजाद की पत्नी वंदना के बारे में भी। जी हाँ, चंद्रशेखर आजाद जिन पर बीते बुधवार की शाम हमला कर दिया गया, उनके काफिले पर हमला किया गया, सीसीटीवी फुटेज जो सामने आया है, चंद्रशेखर आजाद की गाड़ी को ओवरटेक करने की कोशिश करते हुए नजर आए हैं वो अज्ञात हमलावर। और ऐसे में देखा जाए तो चंद्रशेखर आजाद के काफिले पर जब हमला किया गया, जब गोलियां चलाई गई तो गोली उन्हें छू कर निकल गई और तुरंत ही चंद्रशेखर आजाद को सहारनपुर के जिला अस्पताल में एडमिट कराया गया। अब चंद्रशेखर आजाद से मिलने पहुंच रहे हैं उनके तमाम करीबी रिश्तेदार और वहीं साथ ही साथ तमाम दिग्गज नेता भी। वह डंके की चोट पर अपनी बात रख रहे हैं। उनका कहना साफ तौर पर यहां पर रह रहा है कि यूपी में गुंडाराज बढ़ता ही जा रहा है, ऐसे में योगी सरकार पर सवाल खड़े हो चुके हैं। लेकिन इसी बीच देखा जाए तो चंद्रशेखर आजाद ने अपील की है, क्या कुछ उन्होंने कहा है और इस हमले को लेकर वह क्या कुछ कहते हुए नजर आए हैं, सुनिए जरा। हाँ, मैं आपसे अपील करूंगा सभी साथियों से कि वो शांति बनाए रखें जो मेरे ये हॉस्पिटल के बाहर हैं और जो कहीं भी हैं। हम अपनी लड़ाई संवैधानिक तरीके से लड़ेंगे, हमारी किसी कोई लड़ाई नहीं है। तो मैं आपसे अपील करूंगा कि आप शांति, मैं ठीक हूँ, बस आपसे अपील कर रहा हूँ कि आप शांति बनाए रखें, मेरी बात को मानिए। मैं आपसे अपील कर रहा हूँ, मेरी रिक्वेस्ट, आप शांति बनाए रखें। यही हाँ, कल एक त्यौहार भी है और देखो सब लोगों को उत्साह है अपने त्यौहार के प्रति, मेरी रिक्वेस्ट है आप मुझसे प्यार करते हैं, मेरी बात को मानिए, आप बस शांति बनाए रखें। कुदरत की का आशीर्वाद है, अभी अभी नहीं मुझे कुछ होने वाला, मैं स्वस्थ। आपने सुना कि चंद्रशेखर आजाद जब इस घटना के बीच यहाँ पर अपनी बात रखते हुए नजर आए हैं, इस घटना के बाद जब उन्होंने बात रखी है तो यहाँ पर उनका कहना रहा है कि उनके साथ के लोगों ने उन हमलावरों को पहचाना है। तो चार लोगों को अब हिरासत में लिया जा चुका है जिनसे पूछताछ भी जारी है और ऐसे में उस गाड़ी को भी बरामद कर लिया गया है जिसमें वह बदमाश बैठे हुए थे। लेकिन इसी बीच देखा जाए तो यहाँ पर पुलिस लगातार जाँच पड़ताल में भी जुटी हुई है। वहीं आपको जानकारी देने जा रहे हैं चंद्रशेखर आजाद के बारे में और उनकी पत्नी के बारे में कि अब हलफनामे के मुताबिक यह सामने आ रहा है कि चंद्रशेखर आजाद कितने करोड़ों की संपत्ति के मालिक हैं और कितने करोड़ों की संपत्ति की उनकी मालकिन है उनकी पत्नी वंदना, सुनिए जरा। यूपी की सियासत में इस वक्त चर्चा का विषय बने हुए हैं भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद को कुछ दिनों पहले तक उनके समर्थक रावण नाम से भी बुलाया करते थे। देशभर में दलित युवाओं के बीच अगर कोई सबसे लोकप्रिय चेहरा है तो वह चंद्रशेखर आजादी हैं। आपको बता दें कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के रहने वाले हैं चंद्रशेखर आजाद। बसपा सुप्रीमो मायावती के बाद दूसरे ऐसे बहुजन नेता हैं जिनकी देशभर में पैठ देखने को मिलती है। कई मामलों के चलते वह चर्चा का विषय बनती हुई नजर आए हैं। महीनों तक ये जेल में भी रह चुके हैं तो वहीं कई बार पुलिस प्रदर्शन स्थलों पर इनके साथ दुर्व्यवहार तक भी करती हुई नजर आई है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भी जमकर हमला साधते हुए देखे जाते हैं। चंद्रशेखर आजाद बनने तक की कहानी इतनी आसान नहीं है। चंद्रशेखर आजाद को
लेकर इस वक्त तमाम खुलासे हो रहे हैं। हमने अपनी कई रिपोर्ट्स के जरिए चंद्रशेखर आजाद को लेकर आपको जानकारी दी है, लेकिन इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताने जा रहे हैं चंद्रशेखर आजाद की संपत्ति के बारे में। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2022 में दाखिल चुनावी हलफनामे के मुताबिक सामने आया है चंद्रशेखर आजाद और उनकी पत्नी की कुल संपत्ति। चंद्रशेखर आजाद और उनकी पत्नी और परिवार के नाम पर कुल 44 लाख रुपए से अधिक की चल अचल संपत्ति है। चल संपत्ति 26 लाख रुपए की बताई गई है, अचल संपत्ति 17 लाख रुपए की बताई गई है। चंद्रशेखर आजाद मूल रूप से सहारनपुर जिले के छुटमलपुर के पास स्थित घड़कौली गांव के निवासी हैं। शपथ पत्र के मुताबिक खुलासा हुआ है कि भारतीय स्टेट बैंक की छुटमलपुर शाखा में चंद्रशेखर आजाद का अकाउंट है, जिसमें 26,300 रुपए है। वहीं पत्नी वंदना कुमारी के अकाउंट में 84,307 रुपए बताए गए। वहीं अगर बात की जाए चंद्रशेखर आजाद की पत्नी वंदना कुमारी के बारे में, मुजफ्फरनगर के पंजाब नेशनल बैंक में इनका अकाउंट है, जिसमें 3,18,617 रुपए की जमा राशि बताई गई थी। वहीं अगर बात की जाए यहां पर ज्वेलरीज के बारे में, चंद्रशेखर आजाद के पास 40 ग्राम सोना है, जिसकी कीमत 1,96,000 रुपए बताई गई थी। वहीं पत्नी वंदना के पास 400 ग्राम गोल्ड ज्वेलरीज हैं, जिनकी कीमत 19,60,000 रुपए बताई गई। इसके अलावा चंद्रशेखर आजाद खुद की कंपनी चलाते हैं, जिसका नाम है CA न्यूज नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड। चंद्रशेखर आजाद और उनकी पत्नी का एक बेटा है, जिसका नाम युग है। चंद्रशेखर आजाद ने अपनी अलग पहचान बना रखी है, भीम आर्मी का नेतृत्व ये करने वाले हैं और आजाद समाज पार्टी के ये प्रमुख हैं। चंद्रशेखर आजाद राजनीति की दुनिया में एक अलग ही वर्चस्व बना रखे हैं। फिलहाल देखा जाए भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद की पत्नी को लेकर यही खुलासे हुए हैं, इससे अधिक जानकारी सामने नहीं आई है और कुछ तस्वीरें ही हैं जो वंदना कुमारी की अब तक देखने को मिली हैं। आपने सुना कि चंद्रशेखर आजाद कितने ताव में रहते हैं और अक्सर अपने कड़े तेवरों के चलते वह सुर्खियों में बने रहते हैं। तो 2024 में जो लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं, उन लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए अब चंद्रशेखर आजाद सुर्खियों में आ चुके हैं और अब देखा जाए जिस तरह से उन पर हमला किया गया है, जिसके बाद से सियासी हलचल तेज हो चुकी है और योगी सरकार एक बार फिर से कानून व्यवस्था को लेकर आलोचनाओं का सामना कर रही है। फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही, बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।